हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की लास्ट वीडियोस में हमने कंसीडरेशन के प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग अगर कोई मैरिज को रोकने का एग्रीमेंट किया गया है तो वह वॉइड होगा। पर इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन भी है। अगर वह मैरिज माइनर की है तो उस केस में वह एग्रीमेंट वैलिड होगा। पार्लियामेंट का ऑब्जेक्टिव इस सेक्शन के पीछे था कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को वॉलंटरली सिलेक्ट करके एक साथ रह सके। इन केसेस में कंसीडरेशन लव, अफेक्शन और वेलफेयर होनी चाहिए, ना कि मनी। मैरिज प्रोग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होते हैं। केस है वेंकाता कृष्णा वर्सेस वेंकाता चलान। इस केस में फादर को मनी देने का एग्रीमेंट हुआ था उसकी डॉटर की मैरिज के कंसीडरेशन में। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये अमाउंट मैरिज की कंसीडरेशन है, इसलिए यह एग्रीमेंट वॉइड होगा। इसी तरह अगर हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग करने का एग्रीमेंट हुआ है तो वह भी वॉइड होगा। और अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एग्रीमेंट करे जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, फॉर एग्जांपल ए हस्बैंड एग्रीमेंट करता है सी से कि वह उसकी वाइफ बी के मरने के बाद सी से शादी करेगा, तो वह एग्रीमेंट वॉइड होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंड ऑफ ट्रेड। सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग अगर कोई एग्रीमेंट किसी लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन या किसी भी टाइप के लॉफुल बिजनेस को रोकने के लिए किया गया है तो वह वॉइड होगा। पर इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन भी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस की गुडविल को सेल करने से रोकने के लिए किया गया है तो वह वैलिड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी तीन पार्टनर्स थे जिनका एक बिजनेस था। सी पार्टनरशिप छोड़कर अपना अलग बिजनेस करने की सोचता है पार्टनरशिप वाली गुडविल यूज़ करके। यहाँ ए बी सी को रोक सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की गुडविल को यूज़ करने से। कुछ ऐसी कंडीशंस भी इम्पोज की जा सकती है कि वह सिमिलर बिजनेस एक सर्टेन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वही पार्टनरशिप वाला एग्ज़ाम्पल, ए बी कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं कि सी उनके पार्टनरशिप बिजनेस जहाँ सेटल है उस एरिया में सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। पर वह लिमिट्स रीजनेबल होनी चाहिए, और क्या रीजनेबल है और क्या नहीं है वह बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। वह रिस्ट्रेंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट के को किसी भी वे में इंजरी कॉज करे। ये रीजनेबलनेस का टेस्ट इंग्लैंड की कोर्ट्स द्वारा अप्लाई किया जाता है। अगर कोई कंपनी ऐसा एग्रीमेंट करे कि गुड्स एक सर्टेन प्राइस से ज़्यादा के रेट पर सेल नहीं किए जाएंगे तो उसे हम ट्रेड को रोकना नहीं कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक कंपनी चिप्स बनाती है, एक पैकेट बनाने में उसे 2 रुपये लगते हैं और उसे वो रिटेल में 3 रुपये में बेचती है। कंपनी कंडीशन इम्पोज कर सकती है कि आगे वह एक पैकेट 5 रुपये से ज़्यादा में सेल नहीं किया जाएगा, और वह कंडीशन या एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं होगा। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट का एम है कि जो एक्ट्स ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए किए जाते हैं उन्हें ऑफेंस डिक्लेयर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 28,
एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो किसी पार्टी को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट करता है, उसे कोर्ट जाने से जाके अपना राइट को इन्फोर्स करवाने से रोकने से, तो वह एग्रीमेंट वॉइड होगा। कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर जाकर किया एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। फॉर एग्जांपल, ए बी दो पार्टनर्स थे जिनका बिजनेस दिल्ली में था और रहते भी दिल्ली में थे। सीपीसी के अकॉर्डिंग अगर उनके बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है तो वह केस दिल्ली में ही होना चाहिए। वो इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो डिस्प्यूट मुंबई कोर्ट में फाइल किया जाएगा, क्योंकि मुंबई कोर्ट की कोई जुडिक्शन ही नहीं बनती। अगर कोई एग्रीमेंट लिमिटेशन एक्ट में दी गई लिमिट्स के वॉयलेशन में किया गया है तो वह एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। फॉर एग्जांपल, प्रनॉट के लिए टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट में 3 साल दिया गया है। अगर पार्टीज एग्रीमेंट करें कि प्रनॉट के लिए 6 साल तक का टाइम दिया जाएगा तो वह एग्रीमेंट वॉइड होगा। पर सेक्शन 28 के जनरल रूल की एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है कि डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के द्वारा ही सेटल होगा तो वह वैलिड होगा। इसी तरह अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट रिकवर आर्बिट्रेटर्स के अवार्ड के द्वारा ही होगा तो वह एग्रीमेंट भी वैलिड होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।